ललितपुर जनपद के मरौनी ब्लॉक ग्राम पंचायत छायन में 2 साल पहले संजू सहित 2 परिवारों का मकान अधिक वर्षा के कारण गिर गया था। इस समस्या पर मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के माध्यम से लोगों को संगठित व जागरूक करते हुए मैं इस समस्या पर बदलाव ला पाया हूँ। तो उसमें मकान गिर गया, ये लड़की रहती थी छोटी वाली, तो उसकी दवाई नहीं हो पाई उस टाइम पे सही ढंग से। आपके मकान में क्या क्या रखा था? गेहूँ रखे थे 4-5 क्विंटल। लड़की की शादी करने थी साहब, हमने सोची इस साल शादी कर लेंगे। दिन पर दिन खराब आ रही मजबूरी, इसे हमने शादी कर ले मान लो, इसलिए पूरा सामान रखा था। मच्छर ने काटो, सुबह बीमार हो गई, सब खत्म हो गई। अच्छा, अब आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हम जब पंचायत भवन है रोड पे, सब हम में डरे, सब मच्छर खा रहे हमारे बाल बच्चन को, सब खतरा फुनगुनी बुखार, एक बिटिया तो हमारी खत्म हो गई। आप आए, फिर आपने वहाँ की रिकॉर्डिंग की और रिकॉर्डिंग करके उन लोगों को दिखाया। जब रिकॉर्डिंग दिखाने के बाद फिर वहीं पर एक प्रार्थना पत्र तैयार किया। आप लोग हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया संजू सेन, हम लोगों ने प्रार्थना पत्र देने के बाद फिर आपके हमारा जो प्रयास रहा, तो उस प्रयास से उन लोगों को लोहिया आवास आया जो 6,20,000 का आया। आवास बन गया, सबको कैसा लग रहा है? अब सब हम खुश हैं, सब आदमी खुश हैं। कितने आवास बने आपके? दो ही भैंजन के गिर गए थे। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से सामुदायिक को संगठन को ऊपर उठाते रहें और लोगों को जागरूक कहते रहें, ताकि उन्हें हर समस्या से उभार सके और हर सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार लोगों की समस्याओं पर वीडियो बनाता रहूं और उनको संगठित व जागरूक करते हुए बदलाव लाता रहूं। मैं शंकर लाल, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहर्ड के लिए।